क्रिसमस तो अच्छा ही है, हमेशा अच्छा ही रहेगा। ये हम लोग का एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं, उसे होना भी चाहिए। हर कोई हम लोग एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं इसमें हम लोग जो भी। क्या कुछ संदेश रहता है इसके पीछे इसमें संदेश यही है कि सब प्रभु में विश्वास उस पर बने रहो, उसको हमेशा अपने दिल में रखे रहो और उसके अनुसार ही सब काज करो, सबसे मिलजुल के रहो, यही इसका संदेश है। दिसंबर जो है हम लोग का क्रिसमस में बहुत ही मायने रखता है और प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन के रूप में हम लोग मनाते हैं और आपसी भाईचारा और संदेश देने का पैगाम भी है और एक दूसरे से महीना के लास्ट मंथ में हम लोग सबसे मिलते जुलते और नया साल 24 में आने का भी संदेश हम लोग सबको देते हैं। और लॉकडाउन में काफ़ी कुछ मिस किए थे क्रिसमस को लेकर जी, हाँ इस बार हम लोग बहुत उत्साह और लगन के साथ सभी परिवार पूरा भीड़ भाड़ के साथ हम लोग मना रहे हैं। कोरोना में हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे 2 साल, इसलिए नहीं मना पाए, लेकिन इस बार हम लोग पूरा खुशी और उल्लास के साथ प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। सबसे पहले तो पूरे दुमका वासियों को हमारे चर्च संत एंड्रयूज चर्च CNI के ओर से जन्म पर्व क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत भीड़ है। हम लोगों ने यहाँ पर यीशु क्रिस्त के जन्म दिवस पर गीतों का और पवित्र आराधना प्रभुवोश की आराधना को किया और उसी प्रकार से बच्चों ने गीतों को गाया, महिलाओं ने संगति को किया, गीतों को गाया। सो बहुत हम लोग काफ़ी आज बड़ा आज आनंद और उत्सव मना रहे हैं इस दिन। क्या रहता है इसके पीछे संदेश, क्या रहता है इसके पीछे संदेश? यही रहता है कि यीशु क्रिस्त पूरे मानव जाति के लिए संसार में आया ताकि वो सारे मानव जाति को उसके पापों से, उसके गुनाहों से क्षमा दे।